ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 सितंबर रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिनचर्या में और बेहतर सुधार लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिश से लोगों के साथ संबंधों में आश्चर्यजनक सुधार आ जाएगा। दोस्तों, आज प्रतिष्ठित लोगों से भी मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। आज रुके हुए काम बन सकते हैं, उन पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित रखें। आज घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्धियों का निर्माण कर रहा है जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, अपनी योजनाओं को शुरू करने से पहले एक बार पुनः उस पर सोच विचार अवश्य करें। आज आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य की सूचना मिलेगी, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों, रिश्तेदारों का घर में आज आगमन होगा, आपसी मेल मिलाप घर में खुशियां और सुकून लेकर आएगा। साथ ही किसी पारिवारिक व्यक्ति की किसी बेहतरीन उपलब्धि पर घर में आज जश्न का माहौल भी होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, आज वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से सलाह लेने में आप परहेज ना करें, उनका मार्गदर्शन व सहयोग आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। व्यर्थ की बाहरी गतिविधियों में समय नष्ट आप ना करें, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, वे आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान और मान हानि की भी आज संभावना है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान केंद्रित रखें, आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी, इससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है। कभी कभी आपका अहम और क्रोध पूर्ण स्वभाव परिस्थितियों को दूषित कर सकता है, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, साथ साथ अपने शुभ चिंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल में भी समय व्यतीत करना आवश्यक है। भूमि संबंधित कार्यों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है, परंतु जरा सी भी समझदारी और समझ बूझ से काम बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आज रुपए पैसे का लेन देन ना ही करें तो अच्छा है। दोस्तों, अपने बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें, कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मसला उठने से हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, विवेक और समझदारी से आप काम लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों, परिवार के साथ मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय आज व्यतीत होगा,
प्रेम संबंधों में भी नजदीकी आएंगी। आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साथी का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आपके आपसी संबंधों में काफी मधुरता आएगी। पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। शॉपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त होगी। व्यवसाय और परिवार दोनों जगह तालमेल बना रहेगा, जिससे बेहतरीन वातावरण रहेगा। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, इससे संबंधों में कभी कटुता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत रहेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों पार्टनरशिप संबंधित कार्यों में लाभदायक आज परिस्थितियां बन रही हैं। कार्य को विस्तृत करने संबंधित योजनाएं भी आज बनेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के कामकाज आज ज्यादा रहेंगे। प्रतिष्ठ लोगों से अपने संपर्कों को आप और अधिक मजबूत करें। उनके द्वारा आपके व्यवसाय में नए ऑर्डर और अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। आप अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। कुछ नए जनसंपर्क भी आज स्थापित होंगे। ऑफिस में बॉस व अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें, जिससे आप बेहतरीन निर्णय ले पाएं। दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। कर्मचारियों के प्रति आपकी उदारता व उत्तम व्यवहार उनकी कार्य क्षमता को और भी अधिक बढ़ाएगा। दोस्तों साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से नियंत्रित करेंगे। अपनी कार्य प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें, कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी, जिससे उनका मन काफी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु ज्यादा काम के दबाव की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आप संयमित दिनचर्या रखें। इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, इनमें से किसी भी चीज का दान आप भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको अवश्य ही विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।